गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन बॉम्ब। तो आज मैं आ चुकी हूँ एक नया वीडियो, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे कितने आसानी से अपना मेनीक्योर कर सकते हो। तो आज यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ VLCC का एक मेनीक्योर पेडीक्योर किट। इसके मदद से मैं घर बैठे ही अपना मेनीक्योर करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को सिंपल सा 5 स्टेप फॉलो करना है, एंड वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगी। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना, और आज जो मेरे चैनल पे है नए तो वो लोग जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन बजाना मत भूलना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नेल कटर ले लिया है, एंड इसके मदद से अपने नेल्स को मैं कट कर लूँगी, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे नेल्स कैसे बढ़ चुके हैं बहुत गंदे तरीके से, और कुछ नेल्स तो टूट भी चुके हैं। तो चलो सबसे पहले नेल्स को कट कर लेते हैं। सो मैंने नेल्स कट कर लिए थोड़ा बहुत, अब इसको फाइलर की मदद से एक अच्छा शेप दूंगी। बोल में हल्का गर्म पानी ले लिया है, एंड इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजर। तो यहाँ पे देखो नंबर भी दिया हुआ है, एंड इस पानी में हम लोग को थोड़ा सा इस क्लिंजर को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्यू ड्रॉप्स पानी में ऐड किया क्लिंजर को। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी जब तक इसमें से कोई झाग या फिर फेना टाइप का नहीं आ जाता। देन इसी पानी में हैंड्स को 10 से 15 मिनट तक ऐसे डुबा के रखना है। दस से 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे एक पुराना टूथब्रश लिया है, एंड इसके मदद से अपने नेल्स को मैं अच्छी तरीके से साफ कर लूँगी। जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएंगी। हाथों को मैं अच्छे तरीके से पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये है क्यूटिकल ऑयल। इसको अपने नेल्स एंड क्यूटिकल्स में अप्लाई करना रहता है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से अपने नेल्स एंड क्यूटिकल्स में देखो अप्लाई कर रही हूँ, फिर दोनों हाथों में इसको सेम तरीके से अप्लाई करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो 5 मिनट के बाद अपने नेल्स को मैं अच्छी तरीके से मसाज करूंगी जो क्यूटिकल ऑयल अप्लाई किया था उसी के मदद से। नेक्स्ट हम लोग को हमारे जो डेड स्किन होता है उसको रिमूव करना। तो यहाँ पे एक नेल फाइलर की मदद से मैं अपने सारे डेड स्किन जो है वो अच्छी तरीके से रिमूव कर रही हूँ अपने नेल से। फिर अच्छे से टॉवल की मदद से इसको मैं साफ कर लूँगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्क्रब। तो इसको थोड़ा सा अपने हैंड में मैं निकाल लूँगी, उसके बाद स्क्रब से अपने हैंड्स को अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करूँगी। इससे हमारे जो डेड स्किन है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों हैंड्स में अच्छे तरीके से स्क्रब लगा लिया है। ठंडे पानी से अपने हाथों को मैं धो ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने बहुत देर तक अपने हाथों को स्क्रब किया। स्क्रब बहुत मेन होता है, इससे हमारा जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाता है। तो फिर अब मैं यहाँ पे टॉवल की मदद से अपने हाथों को अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। तो देख सकते हो अभी से रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आया है। 4th स्टेप है ये क्रीम, जिससे हम लोगों को अपने हाथों को मसाज देना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रीम अपने हाथों में निकाल ले रही हूँ, उसके बाद 5 मिनट तक अच्छे से अपने हाथों को मसाज दूंगी। इससे हमारे हैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। Oh,
आज फिर से हम लोग को ठंडे पानी से अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना है। उसके बाद हम लोग फिर फिफ्थ स्टेप के तरफ जाएंगे। तो ये हमारे मैनीक्योर का एकदम लास्ट स्टेप होगा गाइस। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हाथों को धो लेना है, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से टॉवल की मदद से अपने हाथों को पोंछ लूँगी। अब लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका लास्ट जो स्टेप है वो है ये टैन रिमूविंग क्रीम। तो इसको अपने हाथों में मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी, उसके बाद दोनों हाथों में अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी ऊपर के तरफ। और ये जो क्रीम है इसके मदद से हमारे हाथों के ऊपर जितना भी टैन आया होगा वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। दोनों हाथों में पैक को अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी सूखने के लिए। सो 10 मिनट तक पैक को अपने हाथों में रखने के बाद अब मैं अपने हाथों को ठंडे पानी से अच्छे से धो लूंगी। और ये मैनीक्योर का लास्ट स्टेप था गाइस। तो आज मैंने वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप घर बैठे इस VLCC के किट के सहारे अपना मैनीक्योर खुद से कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैं अच्छी तरीके से अपने हैंड्स को पोंछ लूंगी और आप रिजल्ट देख सकते हो मेरा हाथ पहले से कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एक बहुत अच्छा ग्लो आया है। पर्सनली मेरे को ये किट बहुत ही अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।